नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके बीटिया न्यूज़ अपडेट में। आज हमने फिर से मरमत लोगा बिहोता पंचायत में विजिट किया। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि 2012 में एक जो यहां पे पंचायत घर बनाता है उसकी खस्ता हालत, ये किसी लेवल से पंचायत घर नहीं लगता, ये खंडर लगता है। हम पहले यहाँ से अंदर आपको विजिट करेंगे, देखेंगे कि इस पंचायत घर की हाल क्या है। उसके बाद यहाँ के कुछ हमारे साथ नायब सरपंच है, मेंबर है, इन लोगों से बात करें कि ये लापरवाही किसकी है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है या ये यहाँ के मेंबरों की लापरवाही, सरपंचों की लापरवाही, किसकी लापरवाही है? चलिए पहले मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले, हम सीधा लोग बिहोता के यहाँ के पंचायत घर में विजिट कर रहे हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हो कि क्या ये पंचायत घर किस लेवल से पंचायत घर लग रहा है। ये तो एक खंडर लग रहा है मुझे। और 30 इसी पंचायत घर पे 30 लाख से अबो बिल निकाले गए हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हो कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले यहाँ के लिए फर्स्टली कि क्या कंडीशन है। चलिए हम आपको पूरी इस पंचायत घर की कंडीशन दिखाते हैं। देख सकते हो आप, खड्डे, सिर्फ गवर्नमेंट के पैसे को वेस्ट किया गया है। ये कम अमाउंट नहीं है, 30 लाख से अबो इस पंचायत घर पे लगाया गया है, लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं। क्या आप सब व्यूअर्स, आप सब ने देखा है कहीं ऐसा पंचायत घर? और ये कुर्सियां, चलिए हम इन कुर्सी की बात करेंगे। ये कुर्सी स्पेशल हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा डीसी साहब के लिए बनाई गई है। देख सकते हो आप, डीसी साहब की कुर्सी है ये हमारी वीडियो साहब की कुर्सी है, ये भी हम आपको दिखाते चले। वीडियो साहब की कुर्सी है, सिर्फ नाम ही लिखे गए हैं, इनको है नहीं कुछ। चलिए और कुर्सी अभी दिखाएंगे आपको। ये एसीडी साहब, ये कुर्सी एसीडी साहब के लिए रखी हुई है यहाँ पे, देख सकते हो आप। ये इस पंचायत घर की हाल है। पैसे की कमी नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई पैसे की कमी नहीं रखी है। 30 लाख से अबो ये देख सकते हो बोर्ड, इसको लिखा है नहीं कुछ, देख सकते हो आप। टेबल रख लें। चलिए अब लोकल से बात करेंगे, कब बना, क्या कंडीशन है। ये खंडर है, ये पंचायत घर नहीं लग रहा है, ये एक खंडर लग रहा है। सबसे बड़ी बात, यहाँ के मेंबर हो, सरपंच हो, डीडीसी हो, उन लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो पंचायत घर बनाया गया है ये पब्लिक के लिए बनाया गया है। इस पंचायत घर में कहीं पब्लिक हमारे ऑफिसर बैठते, लेकिन वैसा हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिला। ये 30 लाख, आप खुद गैस कर सकते हो क्या 30 लाख लगा हुआ है। लोगा ये लोगा बिहोता पंचायत में हमने विजिट किया, एक पंचायत घर के अंदर ये कंडीशन इस पंचायत घर की है। यहाँ से लोकल जुड़े हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। कुछ सरपंचज है, कुछ है। हाँ सर, आपका क्या नाम है? निसार अहमद सर। निसार अहमद जी, आप क्या हो इस एरिया में? हम एक सोशल वर्कर हैं। अच्छा, सोशल वर्कर जी। हमें आज बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है, जो आपने हालत देखी हमारी इस पंचायत बिल्डिंग की, ये एक नमूना है पंचायत बिल्डिंग। ये नमूना है, आप बोले मुझे, आप कैसे पंचायत घर बोलते हैं उसको? ये तो एक खंडर है। अब जो डिपार्टमेंट ने नाम रखा है इसको, लेकिन जो लोकेशन प्रेजेंट बता रही है वो तो ये नहीं बता रही कि पंचायत घर है। मैं आपको बताऊँ, ये बदकिस्मती है। परसों में एक ऑर्डर पड़ रहा था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी पंचायत से मुंसलिक सरपंच हो, पंच हो, सेक्रेटरी हो, GRS हो, जितने भी मुंसलिक है, वो डेरा लगाएंगे अपने अपने पंचायत घरों में। और आपने देख लिया कि यहाँ किसका डेरा लग सकता है। ये जो आपने देख रहे हो इस पंचायत की हालत, कम से कम 30 लाख से अबो, जो हमारे पास फिगर्स है, 30 लाख से अबो इसमें जो है खर्च हुआ है। तो देखिए इस बिल्डिंग की हालत, आए दिन ये बिल्डिंग घिर सकती है। यहाँ से मैं अगर देखूँ, गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे हैं कि इतने फंड्स आ रही है, लेकिन ग्राउंड पे अगर हम जीरो ग्राउंड पे जाके देखते हैं तो कुछ ही नहीं है। अगर हम बात करें 30 लाख से अबो इस पे लगा, क्या 30 लाख से अगर इस पे लगा होता तो इसकी कंडीशन ये होती? हमारा भी यही रोना है, हम भी तो यही कहते हैं कि अगर 30 लाख रुपये यहाँ पर खर्च हुआ तो इस बिल्डिंग की हालत देखो, अगर ये बिल्डिंग है क्या, ये ढांचा है। सिवाय इसके अगर ऐसी कंडीशन रही, मैं तो कहता हूँ 2-4 महीने के बाद ये निस्तनबूत हो जाएगी। और डिपार्टमेंट को इससे कोई टास्क मास नहीं, हमने आज तक कई बार डिपार्टमेंट को बोला। आप ऐसे डिपार्टमेंट के पास गए, BDO के पास गए, ACD के पास गए? बहुत बार, जब भी कभी इनका यहाँ पर ग्राम सभा होती है, कभी जब नरेगा का प्लान हो या और कोई प्लान हो, उसमें जब ग्राम सभा होती है, हमने कई बार आवाज़ उठाई, डोडा जाके आवाज़ उठाई, हमने BDO साहब को बोला, ACD साहब को बोला
कि हमारी उस बिल्डिंग की खस्ता हालत को देखते हुए आप उसको कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हो। खाली आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, सिर्फ दिलासा ही आप लोगों को दिया। दिलासा ही दिया, हाँ जी इसके इसका फंड्स है, इसकी टेंडरिंग हो जाएगी, आपको कोई फिक्र नहीं। हमने पंचायत को कहा कि इसमें आपके पास जो फंड्स आता है, अगर नरेगा का इसमें पहले पैसा इन्होंने यूज़ किया, पर साल 10-10 लाख रुपया जो है नरेगा का इसमें से कटता गया। और उसके बाद हमने पंचायत को कहा कम से कम इसमें किसी फंड से तहत रखो, जैसे बैक टू विलेज का पैसा है या कोई 14FC या 15FC या किसी नरेगा में। बोला नहीं, डिपार्टमेंट ने वहाँ भी कहा कि नहीं, इसके लिए जो है फंड्स मुकर्रर है, फंड्स अवेलेबल है, खाली इसकी टेंडरिंग होनी है और आपको ये विद इन डेज कम्प्लीट हो जाएगा आपका पंचायत घर। ये BDO साहब ये विजिट किया, कई BDO साहब ने ये कंडीशन देखी कि इसकी पंचायत की क्या है? BDO साहब यहाँ नहीं आए, अलबत्ता सरपंच साहब आए, वो सरपंच जो यहाँ लोकल के हैं, हमारे लोकल है, वो लोकल है सरपंच साहब, उन्होंने विजिट किया। सेक्रेटरी पंचायत जो है उन्होंने विजिट किया, उनकी आंखों के सामने है, वो जब भी आते हैं उनका विजिट आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेयर्स आपने देखी क्या हालत है। बाकी जो पंचायत बिल्डिंग्स के लिए कितना सामान आता है, वो कहाँ है, क्यों नहीं आता है, डिपार्टमेंट कहाँ डाल रही है उसके, हमें कोई अता पता है ही नहीं। ये इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी आते, वो भी हमारे इस पंचायत घर का विजिट करते कि कितना अच्छा है यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है, तो वो जो खोखले अच्छा दावे हो रहे हैं तो अच्छा होता, ताकि इस गरीब आवाम की जो समस्या होती है उसका कुछ अजाला ना हो जाए। बाकी तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं, अफसरशाही है और तो कुछ नहीं, हमें दिखता कुछ नहीं है। अच्छा, आपका डिमांड आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी इस खंडर के बारे में? मैं कहता हूँ इस खंडर के बारे में सबसे पहले ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी कमियां हैं जो पंचायत में है, वहाँ पर रिकॉर्ड में कागजों में बहुत कुछ मेंशन होगा, लेकिन है नहीं। ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है यहाँ पर। आप खाली ये तो रूरल डेवलपमेंट की बात है, हम PDD की बात करें, यहाँ पर मैं कैमरामैन से बात करूँगा, ज़रा घुमाएंगे, ये देखें ये पुलों की हालत है। उसके बाद यहाँ पर RGVY के तहत स्टेशन 2 साल से चल रहा है काम, रुका पड़ा हुआ है, खाली 2-4-10 पोल खड़े किए हैं, उसके बाद कुछ नहीं है, जो कि इस वार्ड को और इस वार्ड 2 वार्डों को वो बिजली देनी ज़रूरी थी। इससे पीछे एक वार्ड है लोगा, वहाँ भी सेंक्शन है, वहाँ भी पोल 10 खड़े किए हैं, उसके बाद किसी ने किसी को टस से मस नहीं है। कई बार हमने आवाज़ें उठाई, दफ्तर में जाके उठाई, हमने पंचायत को भी बोला कि इन कामों को कम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के सर में जूं तक नहीं रहेंगी आज तक इस मसले में, और गरीब की सुनवाई कुछ नहीं है। ये खाली दावे करते हैं, खोखले दावे हैं सरकारों के, जो हमारे दिल्ली से यहाँ J&K तक जितनी भी सारी जो सरकारें हैं, यहाँ UT की सरकार है, लेकिन कुछ भी ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है, ज़ीरो है। अगर रिपोर्ट आप देखें, आप खुद ही आए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे आए और आप हमारे इस मसले को उठाकर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ एहसास ना हो, एहसास हो कुछ कि हम इस गरीब आवाम के बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। ये खोखले दावे जो करते हैं, ये खाली और खाली कागजों पर ही मबनी है, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। पंचायत घर में हम विजिट करते हैं, ये पंचायत घर हम इसको नहीं बोल सकते, खंडर बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के सरपंचों होंगे, लापरवाही है ये तो। ओ नायब सरपंच साहब, आप सबसे पहले आप नाम बोले? मोहम्मद अली। आप नायब सरपंच हैं यहाँ के, तो ये क्या हालत है, किस लेवल से आपको पंचायत का? अभी तक हमारी ग्राम सभा हुई, हमने तो यहाँ पे बात रखी है अपनी, भाई इसका पैसा कहाँ गया? उनने बताया इसका पैसा अवेलेबल अभी है, इसकी टेंडरिंग करनी है। हमारा JRS आते थे, सेक्रेटरी आते थे, सरपंच से भी बात हुई, हमने ये बात आगे भी की, BDO से की, ACD से की, उन्होंने बताया इसकी टेंडरिंग होगी, ऐसे नहीं होगा। अब ये तो आप खुद ही देख रहे हैं आप क्या कंडीशन है इसकी। 2012 से ही बन रहा है क्या? 2012 से 21 तक नहीं टेंडरिंग हुई, क्यों नहीं बना? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना, पब्लिक चुने हुए नुमाइंदे हो जनाब। ये तो बनती है, ये तो बात मानते हैं हम, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं, जब पहले सरपंच था यहाँ पे, उसने क्या किया क्या नहीं किया उसको पता होगा। ये पहले सरपंच साहब कौन से थे यहाँ? बशीर अहमद जी थे, बशीर अहमद सरवाल के, ये उसी के दौरान बनाया गया। जी जी जी, 2012 से इसका काम शुरू हुआ है। अच्छा, आपने बात आगे तक रखी? जी जी बिल्कुल रखी, हम BDO के पास भी गए, हम DC के पास भी गए एप्लीकेशन लेके, भाई हमारा पंचायत घर ऐसे है, अभी नोटिफिकेशन निकली है, तो क्या DC डोडा क्या उन्होंने क्या रिप्लाई किया? जल्दी इसको क्लियर करेंगे, हम लेटर निकालेंगे, ACDO को निकालेंगे, BDO को निकालेंगे। ACD साहब ने भी यही बोला? हाँ, उन्होंने बताया हम करेंगे क्लियर, भाई इसका पैसा पेंडिंग पड़ा है, अब कितना पड़ा ये नहीं मालूम। जैसे आप देख सकते हो कि कुछ सरपंच के द्वारा ये भी बोला जाता है कुछ पैसा पेंडिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन टोटा की लापरवाही, यहाँ के ऑफिसर्स की लापरवाही है ये, कि 2012 से और 2021 चल रहा है आज, इतने सालों में क्या रिपेयर नहीं किया गया। तो चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर अब्दुल कयूम है, मैं वार्ड मेंबर हूँ। अच्छा, आप वार्ड मेंबर हो यहाँ? हाँ जी सर। कितने टाइम से आप वार्ड मेंबर हो? बस ये जो प्लान ये पंचायत जब वजूद में आई तब से मैं वार्ड में हूँ। आपके पंचायत घर की क्या हाल है ये? ये देखो सर, आपने खुद ही देखा इसकी क्या हालात है, लेकिन हमने पूरी पंचायत की तरफ से आवाज़ उठाई थी, BDO साहब को बोला था और ACD साहब को बोला था, लेकिन उन्होंने सब खोखले दावे किए हमारे साथ, नहीं जी आज करेंगे, हम काम स्टार्ट कल करेंगे। तो हमने आज आपका हमारा कोई नहीं सुनता है,
तो आज तक हम इसी दावे पर रहे कि नहीं जी आज होगा काम स्टार्ट, कल होगा, लेकिन यहाँ हमने कोई नहीं देखा। ये जमीन भी हमने ये सर हम आपको दिखाएंगे, 2 लाख फर्स्ट कौन सा फर्स्ट फेज था बैक टू विलेज का, 2 लाख इसका अमाउंट था। अभी ये दीवार यहाँ से देखो आप, यहाँ से वहाँ तक लगी है। अब ये पता नहीं यहाँ का जो लेबर था उसकी कमजोरी या कौन सेक्टरी की ठेकेदार हाँ, बिल कितना निकाला कितना वो नहीं मालूम है। अब 2 लाख की दीवार देखो, ये देखो सर ये देखिए इसका लिखा, देख सकते हो कि 2 लाख की दीवार कम से कम बैक टू विलेज का फर्स्ट पैसा जितना आया था 2 लाख की टोटल अभी पंचायत में, वो दीवार देखो 2 लाख की ये दिख रही है, 2 लाख की दीवार। आपको लगते है ये 2 लाख? ये तो नहीं है 2 लाख की, ये तो 10,000 की दीवार भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर 2 लाख रुपए इस पे निकला हुआ है, 2 लाख इसका बिल बना कितना के, 2 लाख की दीवार थी ये। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ की आवाम को लूटा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सरकार द्वारा बड़े कुछ दावे किए जा रहे हैं। भाई साहब मेरा भी आप लोगों के लिए एक मैसेज है, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे डीसी साहब हो, एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा जी, आपने क्या कभी जानने की कोशिश की कि गरीब आवाम किस कंडीशन में जी रही है? क्या आपने कभी इन फुलमलांग एरियाज में विजिट किया कि क्या गरीब आवाम क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है? क्या आप जो सेंटर से पैसा लाते हो क्या वो गरीब आवाम तक पहुंचता है? नहीं, सिर्फ खोखले वादे किए गए गरीब आवाम के साथ। यहाँ के लोकल्स की डिमांड है, एक पंचायत घर है 30 लाख से ऊपर इस पंचायत घर में लगाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से आप ये पंचायत घर नहीं, ये खंडर बोलूँगा मैं, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ऐसा देखा। अगर यहाँ के जितने भी लोकल है, सरपंच साहिब हो, मेंबर हो, लोकल पब्लिक है, इन सब की डिमांड है कि जल्द से जल्द इस पंचायत घर को रिपेयर कर देना चाहिए, जैसे चेयर्स हमने दिखाई। और यहाँ के वीडियोस को भी चाहिए, एसीडी साहब को भी चाहिए, ये नहीं बोलेंगे कि वो इस चीज़ से अवेयर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ से अवेयर नहीं, हर कोई इससे अवेयर, लेकिन सब पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं। मेरी उन लोगों से डिमांड है कि जल्द से जल्द इस पंचायत घर को रिपेयर किया जाना चाहिए और इस गरीब आवाम का पैसा ना लूटे। और यहाँ से काफ़ी डीडीसी के मेंबर भी हैं, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, और जितने भी मुलाजिम यहाँ पे हैं, एम्प्लॉय हैं, उन सब के लिए मेरा मैसेज है, यू आर पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक के नौकर हो, पब्लिक के काम करो, पब्लिक को लूटो मत, ये पब्लिक का पैसा मत खाओ। तो यही चंद बातें लेके लोकल पब्लिक आपके सामने आई थी, देख सकते हो पब्लिक कितने पीछे हैं, पंचायत घर की खस्ता हालत। तो आप जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट अपडेट के साथ, मैं राहुल शर्मा आपके साथ।